सब्सक्राइब कीजिए हमारे और आपके चैनल टेक्नोरोहित को सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और साथ में ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं कभी भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप लोग उस वीडियो को इजीली देख पाएंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं जियो DTH की अनबॉक्सिंग। तो जी हाँ, मेरे पास जियो का DTH आ गया है, जिसे कहते हैं जियो डिजिटल सेट टॉप बॉक्स। तो आज मैं आप लोगों को इसका अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाला हूं और आज मैं आप लोगों को कुछ इससे जुड़ी बातें भी बताऊंगा। सबसे पहले आप बॉक्स देख ही सकते हैं, ऊपर में आपको जियो की ब्रांडिंग मिल जाएगी, आगे पीछे दोनों सेम ही है, कुछ फ़र्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको मिल जाएगा सेट टॉप बॉक्स, ऊपर में लिखा हुआ है जियो का डिजिटल। अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर कुछ स्पेस लिखी गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं OSD साउंड देखने को मिलेगा, HD वीडियो यहाँ पर आप देख सकते हैं, 5.1 चैनल यहाँ पर आपको सराउंडिंग देखने को मिल जाएगी। तो ये कुछ बातें हैं जो लिखी गई है। तो चलिए आप सेट टॉप बॉक्स को सॉरी बॉक्स को ऑन करते हैं। सबसे पहले आपको मिलेगा ये सेट टॉप बॉक्स, तो ये है जियो का सेट टॉप बॉक्स। प्लास्टिक हटा के अगर आप देखिएगा तो मेरे पास है ये येलो कलर का। आपके पास अगर ऑप्शन होगा तो आप ले सकते हैं। और यहाँ पर कुछ बटन्स भी है, चैनल अप डाउन करने का, वॉल्यूम अप डाउन करने का, और बीच में एक मेन्यू का है और एक है ओके का बटन। और यहाँ पर आपको डिजिटल मीटर मिल जाएगा, जिस तरह से आप लोगों ने पुराने घड़ी में देखे होंगे। तो बस यही है पूरा इसका ओवरव्यू। आप देखते हैं कि बॉक्स कंटेंट उसमें आपको क्या क्या देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको केबल मिल जाएगा, जिससे आप सेट टॉप बॉक्स और TV को कनेक्ट कर सकते हैं। तो एक केबल हर एक चीज़ में मिलता ही है, जिसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। और ये छोटू सा एक रिमोट आपको देखने को मिल जाएगा। तो रिमोट की क्वालिटी कुछ खास है नहीं, यहाँ पर आप ओपन कीजिएगा तो यहाँ पर आपको दो बैटरी लगाने की ऑप्शन भी मिल जाती है। और ये रहा इस बॉक्स, और बॉक्स में कुछ है नहीं, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो कि आप देखने को लगेगा। ये रहा सेट टॉप बॉक्स, और लेंथ है जो तार का वो भी मुझे उतना खास नहीं लगा। ऊपर में आपको 6 बटन मिल जाएगी, उसके नीचे आपको एक डिजिटल मतलब व्यू फाउंडर मिल जाएगा, जिसे आप देख सकते हैं कि आपका चैनल कौन सा चैनल आप व्यू कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको HD+ का लिखा हुआ आ जाएगा। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये जो टोटली है ना जियो का सेट टॉप बॉक्स, ये टोटली फेक है। जी हाँ, ये मार्केट में मिल जाता है लेकिन टोटली ये फेक है। अगर आप बैक साइड से देखिएगा तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक पावर ऑन ऑफ बटन, जिसमें आप प्लग करके आपको यहाँ पर ऑन करना पड़ेगा। देन आपको ऑडियो और वीडियो का एक पोर्ट मिल जाएगा, और आपको जो आप अपने घर के छत में लगाएगा उसका जो एक वायर रहेगा उसको आपको पीछे में लगाना होता है। तो मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि जो ये जो सेट टॉप बॉक्स है ना, ये टोटली फेक है। आप लोगों को पता है कि जो एयरटेल टाटा इसका है, इसमें आपको हर मंथ लगभग 200-250 रुपये रिचार्ज कराने होते हैं आपके पैकेज के हिसाब से। लेकिन इसमें आपको कुछ रिचार्ज कराने का ज़रूरत नहीं है। आपको एक हम लोग गाँव में बोलते हैं फ्री डिश, तो ये है फ्री डिश। इसमें आपको लगभग 60-70 चैनल फ्री मिलेंगी, कुछ हिंदी, कुछ बांग्ला, कुछ इंग्लिश, मतलब कुछ काम के होते नहीं है, बस एक दो चैनल ही काम के होते हैं, बाकी सारे चैनल फेक ही होते हैं। तो वही यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि गांव में बहुत कोई यूज़ भी करता है। और फाइनली मैं भी अब इससे देखता हूँ क्या होता है। तो बस यही है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।